गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिंट मेकिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और उसकी कटिंग करके जो आपको प्रिंट मेकिंग जो ड्राइंग बनाना था मैंने समझाया था। कर लिया सभी ने? कर लिया ना? नहीं करा है तो कर लेना है प्लेन बुक के अंदर और यहाँ पर भी आपको करना था। ओके, आज की जो ड्राइंग है वो पेज नंबर 21 ज्योमेट्रिकल डिजाइन। तो यहाँ पे देखो तो ट्रायंगल शेप, जो मेन शेप जो है वो ट्रायंगल शेप लिया है, पर जरूरी नहीं कि आपको ट्रायंगल में ही बनाना है, आप स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, मेन शेप लेके उसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स लेके ओवरलैपिंग करके आपको डिजाइन बनानी है। ओके, क्या ध्यान रखना है जब भी डिजाइन बनाओ, तभी सबसे पहले तो आप कंपास का यूज कर सकते हो, कंपास बॉक्स, राउंड स्केल वगैरह जो भी आपको लेना है, तो वो सब लेके आप प्रॉपर सीधी लाइन के अंदर, अगर आप बिना कंपास यूज करे भी अगर आप सीधी लाइन बना सकते हो तो द बेस्ट। ओके, तो सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स लेके ओवरलैपिंग करके आपको डिजाइन बनानी है। और जरूरी भी नहीं कि अगर आपने डिजाइन के अंदर एक बार सर्कल ले लिया तो आप दूसरी बार नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। आप बार बार भी सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई एक शेप जो एक बार आ गया तो आप दोबारा भी उसी को ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें। यहां पे देखो, आप जब डिजाइन बनाओ तो ध्यान रखना है कि पूरा जो यहां पे ट्रायंगल में बनाओ तो ट्रायंगल के अंदर जो शेप्स लो ना, ऐसे लेना है कि ड्राइंग में बैलेंस रहे। चलो देखते हैं कैसे। तो यहां पे स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर के अंदर आपको ऐसे शेप्स लेने हैं कि पूरा जो स्क्वायर है वो कवर हो। यहाँ पे स्क्वायर लिया और इतने सारे भी शेप्स लेने, नहीं लेने के हौच पौच हो जाए, आपको कलर भरने में दिक्कत हो, जितना भी हो ड्राइंग बड़ा बनाना है, जितनी ड्राइंग बड़ी होगी उतना ही अच्छे से आप उसमें पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो देखो ऑलमोस्ट ये कवर हो गया है। ओके, यहां पे अगर आप रेड कलर कर रहे हो तो यहां पे रेड नहीं आएगा, आप ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, यहां ब्लू है तो यहां ब्लू नहीं आएगा, यहां पे पिंक या ऑरेंज कर सकते हो, यहां ऑरेंज है तो यहां फिर से आप ग्रीन, या मतलब पास पास में दूसरा कलर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ओवरलैपिंग जो है वो दिखेगा नहीं। दूसरी कलर से भी कर सकते हो, जैसे कि प्राइमरी कलर करें रेड, येलो, ब्लू, तो बैकग्राउंड के अंदर कोई डार्क कलर ले लो या सेकेंडरी कलर ले लो, वार्म कलर लिए तो बैकग्राउंड के अंदर कूल कलर ले लो, अगर कूल कलर आपने डिजाइन में लिए तो बैकग्राउंड में वार्म कलर ले लो, टिंट और शेड लेके आप कलरिंग कर सकते हो, किसी भी एक कलर में व्हाइट कलर और ब्लैक कलर ऐड करके जो इसके डिफरेंट कलर बनते हैं उसे टिंट और शेड कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक कलर्स भी। ओके, तो सर्कल के अंदर हम ड्राइंग करेंगे, तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल लिया, यहां पे एक रेक्टेंगल लेंगे। ओके, उसके बाद यहां पे सेमी सर्कल, इतने सारे भी शेप्स नहीं लेने हैं कि हौच पौच हो जाए, आपको कलर भरने में दिक्कत हो। फिर यहां पे हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और यहां पे हम एक सर्कल ले लेंगे छोटा। ओके, जैसे मैंने बताया देखो अच्छी तरह कवर हो गया सर्कल, कलर स्कीम आपको जैसे मैंने बताया, वार्म कलर है, कूल कलर है, पिंक और शेड है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, ये सारे कलर स्कीम लेके आपको इसमें पेंटिंग करना है। जहां पे ओवरलैपिंग होता है वहां पे आपको कलर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर करोगे तो यहाँ येलो नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, पर यहाँ येलो कर सकते हो फिर से। ठीक है, तो ध्यान रहे पेपर के साइज को देख के प्लेन बुक के अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनानी है, कलर करना है, जगह के हिसाब से आपको पेंट ब्रश यूज करने हैं, वाटर कलर या पोस्टर कलर लेना है, स्केच पेन कलर कहीं पर भी आपको यूज नहीं करने हैं, बॉर्डर भी बनानी है तो ब्लैक पोस्टर कलर से, जीरो या
वन नंबर का ब्रश जो है 000, 00 नंबर के जो ब्रश आते हैं एकदम जीरो पतली लाइन बनेगी। जितना भी आप ब्रश को दबा के चलाओगे लाइन मोटी चलेगी, पर जो उसका पॉइंट टच करके चलाओगे तो जितनी चाहोगे उतनी पतली लाइन बनेगी। तो बॉर्डर बना के पेंट करना है, बड़ी जगह के लिए बड़ा ब्रश लेना है, ठीक है? समझ में आया कैसे करना है? चलो बाय।